हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। दोस्तों होंगे दोस्तों, ये गली भाई टाइप का क्यों लग रहा है? पुलिस से भिड़ने का नहीं, मौत से डरने का नहीं, इस तरह का कुछ है। और पीछे में देखिए सार्क वगैरह भी तैर रहा है। मतलब दोस्तों आप जानते हैं, ये मोकैम्बो वाला कुछ फीलिंग आ जा रहा है। चलिए मजाक करते हैं दोस्तों। कल से मैं पेन कॉपी लेके बैठा हूँ, वो ये है कि MIUI 11 जब से लॉन्च हुआ है इतने सारे फीचर्स हैं। देखिए पूरा लिखे हैं, दिखेगा नहीं क्योंकि मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो इतने सारे फीचर्स हैं ना कि मैं टेंशन में आ गया हूँ कि कौन सा फीचर्स भूल रहा हूँ। तो इस तरह का टोटल दोस्तों यहाँ पर 25 फीचर्स आए हैं नए। और कुछ यूट्यूबर्स का भी मैंने वीडियो देखा जिन्होंने ये कहा है कि नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 25 फीचर्स आए हैं और 6 फीचर्स जो है इसमें ऑलरेडी थे, और 6 फीचर्स जो है उसमें कोई तरह का चेंज नहीं हुआ है। तो मैं सारा कुछ बना लिया हूँ दोस्तों, आपको एक एक करके बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। कल मैंने 1.5 मिनट का वीडियो डाला था, उसमें सिर्फ इतना ही बताया था कि दोस्तों MIUI 11 Redmi Note 5 Pro में आ गया है। लेकिन दोस्तों आज मैं टोटल फीचर्स बताऊंगा, इससे हट के फीचर्स नहीं है। अगर कुछ होगा तो मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन दोस्तों ये टोटल फीचर्स मैं बताऊंगा। और वीडियो में आप बने रहिए ताकि आपको सारा कुछ पता चले। वैसे देखिए 1, 2, 3 सार्क है पीछे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, और पुलिस से भिड़ने का नहीं, मौत से डरने का नहीं, क्योंकि गनी भाई बोल के गए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ दोस्त, कि Redmi Note 5 Pro एक ऐसा डिवाइस है Xiaomi का जिसमें दोस्तों ये चीज़ बताया गया कि इसमें जो भी चीज़ है दोस्तों, जो भी अपडेट आया है, वो जितने भी इस ये सबसे नीचे कैटेगरी में आता है, मतलब पिछड़ा जाति में आप बोल सकते हो उसको, कि इसमें जो जो चीज़ दिया गया है सब Xiaomi डिवाइस में दिया गया है। सबसे कम जो दोस्तों फीचर्स इसी में दिया गया है, लेकिन फिर भी 25 फीचर्स हो गया है। तो चलिए वीडियो को देखिए और आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपना प्यार, सपोर्ट और लाइक दे दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे दोस्तों। और आप नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा चीज़ हमारे वीडियो में होते रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आपको सीधा स्क्रीन में लेके चलते हैं, क्योंकि मैं गरीब हूँ, एक ही फ़ोन है दोस्तों Redmi Note 5 Pro, उसी से मैं शूट करता हूँ, तो आपको स्क्रीन में दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैं मोबाइल स्क्रीन में आ गया हूँ, और बहुत सारी यहाँ पर दोस्तों फीचर्स इसमें मिले हैं MIUI 11 में, और बहुत ही ऑप्टिमाइज हो गया है, बहुत ही चलने में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ Redmi Note 5 Pro, और दोस्तों एक बात बता देते हैं कि इसमें MIUI 11 का कल मिल गया है। यहाँ पर आप एनिमेशन वगैरह देख सकते हैं, ये स्टेबल रोम है दोस्तों, इसमें किसी तरह का सच झूठ तो मैं करता नहीं हूँ अपने वीडियो में। 11.0.2.0 स्टेबल अपडेट है दोस्तों, और यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर बस दोस्तों बात करते हैं अब इसके सिक्योरिटी पैच लेवल के, तो कौन सा मिला है आप देख लीजिए। यहाँ पर आएंगे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल दोस्तों, यहाँ पर आपको देख सकते हैं 5/10/2019 मतलब अक्टूबर का मिल गया है दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें और क्या है, तो एक बात मैं बता देता हूँ दोस्तों, आज मैं जो फीचर्स इसमें बताऊंगा वो फीचर्स सारे Redmi के मोबाइल है सब में मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों Redmi Note 5 Pro सबसे गिरा हुआ सेट है Xiaomi का, सबसे ज़्यादा बिका, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। और दोस्तों इसमें जो फीचर्स मिली है वो सब में मिली है, बाकी K20 Pro Redmi Note 7 Pro वो सब जितने भी सेट है उसमें इससे ज़्यादा फीचर्स मिली है, लेकिन इसमें जो मैं बताऊंगा दोस्तों वो सब में मिली है। तो चलिए बात करते हैं MIUI 11 का, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, सिक्योरिटी पैच भी बता दिया। अब एनिमेशन का बात करते हैं, तो एनिमेशन कैसे दोस्तों, देखिए आइकॉन आपका एनिमेट करेगा, जैसे मैं यहां पर गैलरी खोलता हूं, अब देखिए एनिमेशन हुआ, फिर गैलरी खोलता हूं, एनिमेशन हुआ, यहां पर दोस्तों सेटिंग खोलता हूं, देखिए एनिमेशन हुआ, कुछ भी मैं खोलूंगा दोस्तों तो वहां पर एनिमेशन होता है, तो इस तरह का कुछ है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब क्या है, यहाँ पर स्पीड बहुत अच्छा हो गया है, टच रिस्पांस भी बहुत अच्छा हो गया है दोस्तों, टाइम रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा हो गया है इसका, बहुत ही ऑप्टिमाइज हो गया है दोस्तों। इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ भी ऐड हुई है दोस्तों, जैसे बात करते हैं ऐप वॉल्ट की, ऐप वॉल्ट में क्या मिला है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पहले इतनी शॉर्टकट दिखता था, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर आप जितना ऐड चाहे उतना आप कर सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, जैसे IGTV वगैरह आपको दिख रहा है, टूल्स में बहुत सारी चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ से खोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट, QR कोड, स्कैनर, फेसबुक, व्हाट्सअप, सब कुछ खोल सकते हैं। अब इसको इस तरह बंद करेंगे, अब ये इसमें और क्या है दोस्तों, तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स आई है, वो आप लोग देखेंगे तो थोड़ा हिल जाएंगे। जैसे आपके पास मी बैंड नहीं है मान लीजिए, तो मी बैंड कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, स्टेप वगैरह आप यहां से काउंट कर सकते हैं, ये फीचर्स ऐड किया गया है। जैसे मैं आज इतना देर चला, 9000 स्टेप
गोल करना है दोस्तों। और 849 स्टेप मैं चला हूँ पैदल। पूरा मंथ का कितना है, पूरा वीक का कितना है, सब कुछ यहाँ पर होगा। कितने कैलोरी आप गला रहे हैं सब कुछ यहाँ पर पता चलेगा दोस्तों। तो इस तरह का कुछ है। अब बात करते हैं दोस्तों और क्या मिला है। तो नोटिफिकेशन आइकॉन में, नोटिफिकेशन आइकॉन दोस्तों पहले की तरह है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज ऐड किया गया है, जैसे कास्ट मी शेयर और भी बहुत सारा चीज है दोस्तों। बहुत सारी चीज यहाँ पर डार्क मोड का भी अलग से कर दिया गया है दोस्तों। ग्रे स्केल भी किया गया है, जैसे मैं इसको उठा के ऊपर ला लेता हूँ। अब ग्रे स्केल क्या है दोस्तों, ग्रे स्केल आप जैसे ही करेंगे तो आपका क्या होगा, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अभी मैं इसको करता हूँ, ग्रे स्केल आ गया यहाँ पर। चलिए ग्रे स्केल का यूज करके दिखाते हैं। तो देखिए ग्रे स्केल मैं ऑन कर दिया हूँ यहाँ पर दोस्तों, ग्रे स्केल। और अब ग्रे स्केल के बाद देखिए सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है दोस्तों। जैसे मैं अपना गैलरी खोलता हूँ, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखता होगा सारा कुछ। तो अब इसको फिर कलरफुल, इससे क्या होगा दोस्तों कि इससे एक ही चीज़ होगा कि आपका बैटरी बहुत ज़्यादा बचेगा। और ग्रे स्केल को दोस्तों आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा आपको तो कैसे करना है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का आप देख लिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर ऐड हुई है नोटिफिकेशन में। तो इस तरह का कुछ है। चलिए बात करते हैं दोस्तों आप सेटिंग में, बहुत सारी चीज़ चेंज हुई है, जैसे सेटिंग का पूरा लुक चेंज हो गया है, छोटी छोटी चीज़ को ऐड किया गया है, बहुत सारी चीज़ को यहाँ पर देखा गया है। तो सेटिंग में पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कनेक्शन एंड शेयरिंग की। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर पहले आपको मिलेगा मी शेयर। मी शेयर में जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर मी शेयर में क्या है, ये कोलैब किया हुआ है ओप्पो वीवो रियलमी के साथ। लेकिन यहाँ पर अभी रेडमी नोट 5 प्रो में ये चीज़ नहीं आया है, दूसरे डिवाइस में आपको यहाँ पर दोस्तों इस जगह में आपको देखने को मिलेगा। तो आप कहीं भी आप चेंज सेंड कर सकते हैं कोई भी डेटा वगैरह, या फिर आप कोई भी मोबाइल वगैरह खरीद रहे हैं ओप्पो वीवो रियलमी का, तो आप यहां पर डाल सकते हैं, उसे सेंड कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं यहां कास्ट क्या है दोस्तों, तो ये कास्ट वही चीज़ है दोस्तों जैसे आप प्रोजेक्टर वगैरह में अपना मोबाइल से कुछ दिखा रहे हैं, या फिर वाईफाई के जरिए करते हैं सेंड वगैरह, या टीवी वगैरह में गेम खेल रहे हैं दोस्तों, तो सारा कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग सेटिंग है, जैसे मान लीजिए कि आप फैमिली के साथ टीवी देख रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं फैमिली के साथ, और आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड का जो व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है वो नोटिफिकेशन हाइड रहे, तो यहाँ पर हाइड का भी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो इस तरह का कुछ है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरी, तो क्या है, प्रिंटिंग है दोस्तों। प्रिंटिंग में क्या मुझे बहुत ही बेस्ट लगा, यहाँ पर आप प्रिंटिंग में जाइए और कोई भी किसी भी तरह का आप दोस्तों आपका जो भी यहाँ पर प्रिंटर आप ऐड कर लीजिए। अगर यहाँ पर वो प्रिंटर आपका नहीं है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और वायरलेसली दोस्तों आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रिंटर को, और आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, डेटा वगैरह प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है, प्रिंट को आप ऑन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं। तो कैसे होगा दोस्तों, प्रिंट का भी देख लीजिए, अभी मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए मुझे ये वाला को शेयर करना है, तो जैसे मैं शेयर करूंगा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पर कास्ट का ऑप्शन दे रहा है बगल में यहीं पर से। वैसे शेयर का तो यहाँ पर है, यहाँ पर मैं नीचे में शेयर का भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट में जैसे जाएंगे तो प्रिंट में आपको शो कर देगा कि आपको कौन सा करना है। यहाँ वाईफाई देखिए ऑन दिखा रहा है दोस्तों, वाईफाई ऑन हो रहा है। यहाँ पर कलर में चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, सारा कुछ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बोल रहे हैं कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं आज आपको जो बताऊंगा दोस्तों आप हिल जाएंगे देख के क्या क्या मिल रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब लॉक स्क्रीन की। तो लॉक स्क्रीन फॉर्मेट कैसे मिलेगा आपको, सेटिंग में जाना है दोस्तों, लॉक स्क्रीन में जाना है। तो लॉक स्क्रीन कहाँ गया, लॉक स्क्रीन मुझे भी नहीं मिल रहा, इतना सारा चीज है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए एम्बियंट डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन है। तो लॉक स्क्रीन में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा क्लॉक का ऑप्शन, यहाँ पर आप वॉलपेपर कर सकते हैं, यहाँ पर क्लॉक फॉर्मेट में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी क्लॉक को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अपने जो लॉक स्क्रीन होता है वहाँ पर आप किसी भी तरह का दोस्तों लॉक स्क्रीन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर लॉन्च कैमरा भी दिखाया जा रहा है, डबल टैप करके आप पावर बटन करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर पॉकेट मोड भी दिया हुआ है दोस्तों। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों कि इस MIUI 11 में दोस्तों नीचे में अगर आप आएंगे तो हर चीज़ का दोस्तों जो आपको ज़रूरत है उस हिसाब से यहाँ पर, जैसे सिक्योरिटी और पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड सिक्योरिटी में जैसे जाएंगे तो वहाँ पर वो चीज़ खुल जाएगा, क्योंकि लॉक स्क्रीन से जो रिलेटेड होता है सिक्योरिटी और पासवर्ड होता है। तो कोई भी हम खोलेंगे दोस्तों किसी भी तरह का तो वहाँ पर दिखेगा, जैसे वॉलपेपर मैं दूसरा दिखा देता हूँ आपको, कुछ भी खोल के जैसे डिस्प्ले खोलता हूँ तो डिस्प्ले से रिलेटेड क्या है, तो एम्बिएंट डिस्प्ले लॉक या फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जा सकते हैं आप। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ है।
और दोस्तों डुअल क्लॉक का भी आएगा लेकिन मैं आगे बताऊंगा। तो अब चलते हैं दोस्तों डिस्प्ले में क्या है। तो डिस्प्ले में बहुत सारा चीज है, ब्राइटनेस लेवल, रीडिंग मोड। रीडिंग मोड में क्या है दोस्तों, रीडिंग मोड को आप स्केलिंग कर सकते हैं दोस्तों, एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपको चाहिए और क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए वो आप कर सकते हैं। बात करते हैं डार्क मोड, तो डार्क मोड को दोस्तों अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि कितने से कितने टाइम में आपको चाहिए डार्क मोड। वैसे डार्क मोड का यहाँ पर भी दोस्तों एक शॉर्टकट यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, कहाँ गया यहाँ पर देखिए डार्क मोड का यहाँ पर भी शॉर्टकट है। जैसे ही करेंगे तो पूरा मोबाइल आपका डार्क मोड में चल जाएगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ तो अभी मैं नहीं करता हूँ दोस्तों। तो इस तरह का शेड्यूल कर सकते हैं, रीडिंग मोड को भी आपको मैं बता दिया, स्केलिंग वगैरह कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं दोस्तों साउंड में। तो साउंड में क्या आपको मिलेगा, तो साउंड में भी बहुत सारा चीज को चेंज किया गया है। जैसे साउंड में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जैसे फोन का मैं चलते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह का आपको म्यूजिक मिलेगा दोस्तों। अभी नहीं बज रहा क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अपने हिसाब से आप म्यूजिक यहाँ सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज है अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक दोस्तों आप वीकली कोई भी लगा सकते हैं किसी भी तरह का, ये डाउनलोड होगा दोस्तों। इस तरह का कुछ है यहाँ पर, अलग अलग तरह का आप शेड्यूल भी कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा चाहिए, किस तरह से चाहिए आपको। यहाँ पर बहुत सारी चीज दी हुई है अलग अलग तरह का दोस्तों, अलार्म क्लॉक वगैरह भी दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं इवेंट की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हैप्पी बर्थडे वगैरह कुछ भी है तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं दोस्तों, लगा सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन अलार्म में आप कोई भी डाल सकते हैं, किसी भी तरह का डाल सकते हैं। मैसेज का भी आपको दिखाता होगा दोस्तों। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम का दिखा रहा है, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए कॉल को आप वाइब्रेट में रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं वो भी दिखा रहा है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारी फीचर्स है दोस्तों, अभी ही हुआ अभी बाकी है। आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं या दो तीन दिन में भी आप देख सकते हैं। एडिशनल सेटिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है, एयरफोन का भी दिया हुआ है दोस्तों। एयरफोन में एडिशनल सेटिंग में ऐसा कुछ खास नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपका साउंड का सारा कुछ मतलब बहुत ही ज्यादा इसको ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। चलिए आप बात करते हैं दोस्तों और क्या है इसमें। तो साउंड में दोस्तों यहाँ पर आपको मल्टी अलार्म भी मिल गया, नेचुरल अलार्म भी मिल गया। बात करते हैं आप क्या है, तो नोटिफिकेशन में चलते हैं। नोटिफिकेशन में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो अलग अलग तरह से आप नोटिफिकेशन को आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर, किस तरह का आपको चाहिए दोस्तों। वो मैं जो सेट किया हुआ हूँ उस तरह का मुझे मिल रहा है यहाँ पर। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन कैसा चाहिए, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन कैसा चाहिए और नोटिफिकेशन बैजेस कैसा चाहिए, सारा कुछ दिया हुआ है। नोटिफिकेशन को आप एंड्रॉयड वाला चाहिए या MIUI वाला चाहिए, जैसे मैं MIUI वाला जो है दोस्तों नोटिफिकेशन इस तरह का है। आप एंड्रॉयड वाला अगर कर देंगे तो ये खाली दिखाएगा दोस्तों छोटा सा बस, तो मुझे MIUI वाला ज़्यादा पसंद है दोस्तों, तो मैं वही करूँगा। तो इस तरह का कुछ है। चलिए आप बात करते हैं बैटरी एंड परफॉर्मेंस की। तो बैटरी और परफॉर्मेंस में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, खाली इसका UI थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, बाकी सारा कुछ सेम है दोस्तों। यहाँ ये वाला चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। बाकी इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी चीज़ को चेंज करा है, बाकी सारा कुछ है। यहाँ पर एक और फीचर्स आने वाला था दोस्तों, जो चाइना रोम में आया है लेकिन अभी इंडियन रोम में नहीं आया है, अल्ट्रा सेविंग मोड, वो देखिए कब तक आता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एडिशनल फीचर्स की। तो एडिशनल फीचर्स में भी बहुत सारा चीज है, मगर एडिशनल सेटिंग मुझे नहीं मिल रहा है। एडिशनल सेटिंग में चलते हैं, तो आप चलिए डुअल क्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे अभी एडिशनल में गए दोस्तों, डेट एंड टाइम में गए, तो यहाँ पर देखिए अभी आप नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको डुअल क्लॉक दिखता होगा, इसे ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन में एक ही दिख रहा है। लेकिन जैसे ही दोस्तों आपको डुअल क्लॉक आपको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए दो क्लॉक दिख रहा है, और आपको इसके लॉक स्क्रीन में भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ भी दो दिख रहा है। तो इस तरह का कुछ है, मतलब अगर आपके भाई वगैरह बाहर है या कोई भी बाहर है या आप खुद बाहर है तो आप इंडिया का भी देख सकते हैं और बाहर का भी कहीं का भी देख सकते हैं। तो इस तरह का कुछ आप कर सकते हैं दोस्तों। डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज इनपुट वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारी चीज इसमें होगी दोस्तों। अब बात करते हैं स्पेशल फीचर्स। तो स्पेशल फीचर्स आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो स्पेशल फीचर्स ठीक उसके नीचे दोस्तों, डेट ऑन टाइम के नीचे आपको स्पेशल फीचर्स सेटिंग में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीन चीज़ है, गेम टर्बो मोड है, क्विक रिप्लाई है और सेकंड स्पेस है। गेम टर्बो तो आपको पता ही है दोस्तों, टर्बो मोड उसमें कोई नया चीज़ नहीं आया, सारा कुछ सेम है दोस्तों। क्विक रिप्लाई के बारे में बात करते हैं, तो क्विक रिप्लाई में थोड़ा यहाँ पर हमें चुतिया बनाया गया है दोस्तों। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कैसे बनाया गया है।
तो देखिए क्विक रिप्लाई ऐसा है कि मतलब आप अगर गेम खेल रहे हैं और जैसे रियलमी के फ़ोन में आता है कि गेम खेल रहे हो और व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है तो छोटा सा पॉपअप विंडो खुलता है, वहीं पर आप मैसेज वगैरह करते हैं। लेकिन MIUI में क्या होता है, तो दोस्तों जैसे व्हाट्सएप आया, जैसे ही व्यू किए तो आप गेम छोड़ के व्हाट्सएप में चल जाते थे। तो इसमें क्विक रिप्लाई तो दे दिया, लेकिन नीचे आप जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखिए W में मैं आ गया और यहाँ पर W में आप देख लीजिए वॉल्ट वेदर सारा W दिख गया, लेकिन WhatsApp नहीं दिखा। तो इस तरह का चूतिया बना दिया थोड़ा सा दोस्तों, लेकिन झेलना पड़ेगा, चलिए क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह का कुछ है सेकंड स्पेस में। तो आप जानते हैं सेकंड स्पेस किसको कहते हैं, तो इसके बताने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं फाइल मैनेजर में, भी थोड़ा यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों। फाइल मैनेजर में क्या है, तो PDF को दोस्तों ऐसा बताया जा रहा था कि PDF को आपको दिखेगा PDF, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। Redmi Note 5 Pro में नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे ऊपर जितने भी सेट है जिसको मिला है दोस्तों, यहाँ PDF आपको खुलम खुल्ला दिखेगा। मतलब ऊपर से ही देख सकते हैं कि अंदर कौन सा माल है और क्या है। चलिए बात करते हैं अब गैलरी की, जो सबसे इम्पोर्टेंट और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो गैलरी का कुछ ऐसा है दोस्तों कि गैलरी को आप अपने हिसाब से ऐसे करेंगे तो आप सेट हो जाएगा दोस्तों, छोटा होगा बड़ा होगा, इस तरह का कुछ आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है गैलरी के एल्बम में जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो का भी आप ऑप्शन दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आप वीडियो में जा सकते हैं। दूसरी गैलरी में मुझे एक और अच्छा चीज़ लगा है दोस्तों कि वो क्या लगा है कि यहाँ पर अपने एल्बम को आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फोटो वापस आपको सेटिंग में जाना है दोस्तों, गैलरी के सेटिंग में जाना है। उसके बाद आप नीचे में आएंगे तो मैनेज स्कैन एल्बम, इसमें जैसे जाएंगे दोस्तों तो आप जो जो चीज़ को यहाँ पर टिक करेंगे, जो जो चीज़ को दोस्तों, जैसे मैंने स्कैन को नहीं किया तो वो नहीं आएगा, जो फर्स्ट में दोस्तों आपको नहीं दिखेगा, आपको सेकंड वाला में दिखेगा। एल्बम में सारा कुछ दिखेगा, ये जितना डॉक्यूमेंट है सब कुछ, लेकिन जैसे ही गैलरी खोलेंगे तो जो जो टिक है दोस्तों बस उतना ही कुछ दिखेगा। जैसे ये वाला इंस्टाग्राम पिक्चर को मैंने बंद कर दूंगा तो नहीं दिखेगा, तो इस तरह का कुछ है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एक और फीचर्स जो मिला है, वो थोड़ा भी यहाँ भी धूर बनाया गया है, ये चीज़ पहले ही मिल गया था दोस्तों कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर खोलेंगे तो यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो का देता है दोस्तों, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर मतलब एक चीज़ अच्छा कर दिया गया है कि अपने हिसाब से दोस्तों ये सेट हो जाता है छोटा बड़ा, तो आपको पता ही है यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा कम छोटा बड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फीचर्स देखने को मिला है दोस्तों, वो ये है कि थोड़ा यहाँ पर आप अगर लाइफ में जाएंगे, व्हाट्सअप खुल गया सॉरी, हाँ तो यहाँ पर अगर आप लाइफ में जाएंगे तो यहाँ पर डिस्काउंट का ऑप्शन जो मिल रहा है दोस्तों, ये डिस्काउंट करने से क्या होगा कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लीजिए। ये थोड़ा टाइम लगाता है, ये नेट के थ्रू होता है दोस्तों, और यहाँ पर आप डाल सकते हैं कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, अपने हिसाब से यहाँ शेड्यूल कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जो बात कर रहे हैं दोस्तों डिजिटल वेलबींग, ये तो मुझे बोलने में भी थोड़ा टेंशन लगता है, लेकिन ये चीज़ जो है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डाला गया है। ये क्या है दोस्तों कि अपने मोबाइल को आप क्या 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 यूज़ किए हैं, यहाँ पर YouTube कितना किए, PUBG कितना किए, सेटिंग क्रोम Instagram अदर, कितना देर आपका मोबाइल चला है, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। मैनेज नोटिफिकेशन में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का आपको यहाँ से खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बोलेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है तो नीचे में आप पढ़ सकते हैं पेरेंट कंट्रोल। मतलब क्या है दोस्तों कि इसमें आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर गेट स्टार्ट वगैरह करेगा, यहाँ पर आप ऐसे सिंगनाइज करेगा दोस्तों, चिल्ड्रेन आपके जो बच्चे हैं उसमें उसके मोबाइल में जो आप ईमेल आईडी डाले हैं वो आपको यहाँ पर मांगेगा। और दोस्तों फिर क्या होगा कि यहाँ पर नेक्स्ट वगैरह करने से यहाँ पर सेटिंग लेगा, तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया, उसके बाद क्या है यहाँ पर आप कोई भी चीज़ अगर एक उठा लेंगे ईमेल आईडी, जैसे ही उठाते हैं दोस्तों तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका जैसे ही अगर आप ये सोच रहे हैं कि रात में आपका बच्चा पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, खेल कर रहा है, पबजी ज़्यादा खेल रहा है, दिन भर में क्या खेला। जैसा आपका बोले बच्चा बोलेगा कि अरे पापा हम तो गूगल में फलाना सर्च कर रहे थे, ढिकाना सर्च कर रहे थे, तो ये खोल के आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा पबजी कितना देर खेला, सारा कुछ आप देख सकते हैं। और इसका दोस्तों आइकॉन भी यहाँ पर दे दिया गया है, देखिए ऊपर में डिजिटल
इसको जैसे खोलेंगे आपको दिख जाएगा, तो आपका बच्चा अब आपके हाथ से बच नहीं सकता, तो इस तरह का कुछ है। अब बात करते हैं दोस्तों और क्या मिला है। तो यहाँ पर जितने भी आइकॉन है उसको 3D टच मिला है। आप कैसे बता दे रहे दोस्तों, जैसे यहाँ पर YouTube को किए तो देखिए 3D टच यहाँ पर खुल गया। ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शन, सर्च यहाँ पर कर सकते हैं। ये YT स्टूडियो में यूज करता हूँ तो वो चीज है। यहाँ पर इंस्टाग्राम में भी आपको दिख जाएगा। और दोस्तों एक खास बात बता दे, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में जैसे खोलेंगे तो ऊपर में अभी 3 मैसेज कौन सा है, कैमरा है, शेयर, इन्फो, सारा कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये चीज मुझे बहुत ही बेहतर लगा, बहुत ही मजा आया ये चीज करके। अब बात करते हैं दोस्तों थीम का। तो थीम में दोस्तों कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज चेंज हुआ मैं बता देता हूँ, बाकी सारा कुछ वही सेम है। थोड़ा सा नया वॉलपेपर वगैरह देखने को आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा। तो चलिए बात करते हैं कि क्या है वो ऊपर है, मैं आपको दिख गया हो गया। तो यहाँ पर थीम में चलते हैं दोस्तों। थीम में चलने के बाद आपको क्या करना है, सीधा सीधी आपको जाना है साइड में। साइड में लेने के बाद गाड़ी को क्या करना है आपको, सॉरी, खोलना है वॉलपेपर। वॉलपेपर देखिए मेरा तो यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर कुछ न्यू वॉलपेपर 2-4 ऊपर के सेट हुए हैं और जो मैं लगाया हूँ। अब यहाँ पर देखिए लाइव वॉलपेपर है। लाइव वॉलपेपर को जैसे ही करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जितने भी वॉलपेपर है सब ये लाइव है। आप कर सकते हैं अप्लाई यहाँ पर बूथ में, चलिए कर देते हैं, दोनों जगह हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से चलेगा, कुछ कूल लग रहा है दोस्तों, देखने में बहुत ही आफत लग रहा है, देख लीजिए, बहुत ही मजा आ रहा है देखने में। लेकिन बैटरी बहुत ज्यादा खपता है दोस्तों इसमें, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा आपको। और एक चीज दोस्तों, लाइव वॉलपेपर अपने वीडियो को भी आप लगा सकते हैं, जैसे दोस्तों चलिए देखते हैं। वैसे तो मुझे वीडियो का शौक नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन देखते हैं घुसते हैं कि कुछ वीडियो है या नहीं। तो यहाँ पर वीडियो का जैसे आया हुआ है दोस्तों देखिए, तो चलिए ये वाला जो है, ये करोड़पति वाला आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसी तरह का दोस्तों ये कुछ चूतिया बनाता है पैसा देके के 25 लाख का फलाना ढिकाना इस तरह का बोल के। वो वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा, देख लीजिए, बहुत ही मजेदार वीडियो, गाली गुप्ता तक हो गया है उसमें। तो सेट वीडियो वॉलपेपर अगर आप करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ये आप वॉइस को आप रख सकते हैं या वॉइस को यहाँ से हटा सकते हैं। और इस तरह से अगर आप अप्लाई कर देंगे दोस्तों तो ये आपका स्क्रीन में सेट हो जाएगा। देखिए अब ये स्क्रीन में सेट हो गया है, फोन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो इस तरह का देखिए आराम से, मतलब एकदम मजा आ जाएगा। मगर थोड़ा हैंग होता है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल का कैपेसिटी उतना नहीं है। तो चलिए इसको हटा देते हैं वरना आप टेंशन में रहेंगे। और यहाँ पर गूगल असिस्टेंट भी खुल गया, तो चलिए थोड़ा हटा देते हैं इसको, कोई भी एक वॉलपेपर पहले ठूस देते हैं ताकि मोबाइल हैंग नहीं करे और वीडियो में कोई किसी तरह का तकलीफ नहीं हो। तो चलिए ये चीज हो गया है दोस्तों, चलते हैं शॉर्टकट नोट। तो शॉर्टकट नोट में जाने से पहले मैं दिखा देता हूँ कि शॉर्टकट नोट क्या है। तो यहाँ से आप जैसे ही इधर करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक तरह का अलग अलग यहाँ पर बन गया है टास्क, आपको क्या टास्क करना है, कितने बजे करना है, क्या करना है, या नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये चीज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम नोट में चलते हैं दोस्तों। नोट में चलने के बाद क्या करेगा, मेरा तो यहाँ पर लगे रहता है हर जगह, स्विच बैंक में जितना नहीं है वहाँ इतना पासवर्ड मैं मार के रखता हूँ। तो यहाँ पर नोट है दोस्तों, यहाँ पर नोट आप लिख लीजिए कुछ भी, जैसे मैं अपना लिखता हूँ, हाय आई एम रजा खान। और इस तरह का टास्क आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, कुछ भी टास्क आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और रिमाइंडर के लिए अपना टाइम दे दीजिए कि उस वक्त ये बजने लगेगा, ये काम करना है, जैसे इंपॉर्टेंट है, सब्जी लाना है, बीवी मारेगी, उससे बचने के लिए आप पूछ लीजिए निकलने से पहले कि क्या क्या आपको करना है, और उस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो हो गया टास्क की बात। अब बात करते हैं मल्टीपल यूजर। मल्टीपल यूजर कैसे मिलेगा आपको दोस्तों, तो सेटिंग में जाना है यहाँ पर आपको, उसके बाद मल्टी यूजर कहाँ पर है, ये रहा मल्टी यूजर में नया चीज मिला है, न्यू यूजर और गेस्ट तो पहले था, लेकिन न्यू यूजर में जैसे जाएंगे तो आपको वही, आपको पता है कि नया यूजर बन जाएगा, मतलब आपका ऐप वगैरह नहीं दिखेगा। होम स्क्रीन में एक नया चीज आपको मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, जैसे देख लीजिए, जैसे ये गैलरी है दोस्तों, ठीक है, गैलरी आपको ब्लर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सेटिंग वगैरह है खुल्लम खुल्ला दिख रहा है, ठीक है, इस तरह का कुछ है। जैसे यहाँ पर क्रोम मेरा ब्लर दिख रहा है, गैलरी मेरा ब्लर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए मेरा यूनियन बैंक का जो ऐप है वो आपको ब्लर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे मैसेज मेरा ब्लर दिख रहा है, यहाँ पर मैसेंजर ब्लर दिख रहा है। तो इस तरह का अब कैसे हो रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मान लीजिए किसी के साथ बैठे हैं और कुछ व्हाट्सएप में या किसी तरह का कुछ इमेजेस वगैरह खुला हुआ है और आप नहीं चाहते कि बगल वाला देखे, और आप यहाँ पर जैसे आएंगे तो आपको, आप सोचेंगे कि नहीं यार बगल वाला नहीं दिखे, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिंपल सा जाना है यहाँ पर सेटिंग में। और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है मोर में। मोर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा, तो नीचे में देखिए आपको मिलेगा दोस्तों ब्लर ऐप प्रीव्यू।
इसमें आप जाके दोस्तों आप ये चाहेंगे कि आपके रिसेंट बार में जो भी आपको जो जो भी चीज़ है दोस्तों वो ब्लर दिखे, तो आप यहां से उसको टिक कर दीजिए, वो चीज़ आपको ब्लर दिखेगा। जैसे यहां पर आप देख सकते थे क्रोम, फेसबुक, जीमेल, हमने यहां पर गूगल पे वगैरह, MI, IMO, इंस्टाग्राम या यूनियन बैंक, यूट्यूब। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई और पब्लिक आपका देखे जैसे आप रिसेंट में गए, तो वो चीज़ नहीं दिखेगा। जैसे देखिए यूट्यूब ब्लर हो गया है, तो इस तरह का कुछ यहाँ पर आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब एक नया चीज़ आपको दिखा देते हैं। ये चीज़ पहले भी आ गया था, लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें और भी ज़्यादा इसको ऑप्टिमाइज किया गया है। तो वो कहाँ पर मिलेगा वो मुझे भी नहीं मिल रहा, इतना सारा कुछ है। चलिए बताते हैं, यहाँ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में गए तो यहाँ पर दोस्तों इमरजेंसी SOS, ये चीज़ क्या है दोस्तों? ये चीज़ करने से आपका, अगर मान लीजिए कहीं पर आप फंस गए या फिर किसी भी तरह का आपके साथ वारदात हो रहा है, आपको लग रहा है घटना, आप मोबाइल नहीं से लगा सकते, तो 5 टैप आपका वॉल्यूम बटन को करेंगे और यहाँ पर जो भी नंबर आप ऐड करेंगे उसको कॉल चल जाएगा डायरेक्टली आपके फ़ोन से दोस्तों। तो इस तरह का कुछ नया फीचर्स डाला गया है। अब बात करते हैं दोस्तों सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर ऐप में जाते हैं, तो ऐप में भी दोस्तों ऐप को भी बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। मतलब ऐप सेटिंग को अलग कर दिया गया है, ऐप मैनेज, डुअल ऐप, परमिशन, ऐप लॉक, सब कुछ को दोस्तों, ऐप लॉक, सारा कुछ को ये कर दिया गया है, अलग ही कर दिया गया है, बहुत ही अलग तरीके से। अब स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यही चीज़ का मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब देखिए स्क्रॉलर और सेंड का दोस्तों अलग तरह का एकदम छोटा छोटा आइकॉन दिख गया, तो आपको इस तरह का है। अब क्या चीज़ चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो देखिए सिक्योरिटी, और यहाँ पर सिक्योरिटी में पहले चलते हैं, तो सिक्योरिटी में दोस्तों कोई चीज़ किसी भी तरह का चीज़ को यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है, कोई भी चीज़ को चेंज नहीं किया गया। दूसरा चीज़ है दोस्तों यहाँ पर कैमरा के बारे में बात करते हैं, तो कैमरा में भी यहाँ पर किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं आया है, जो है दोस्तों पहले से जिस तरह का है वही सी है। Redmi Note 5 Pro में ना 4K मिला है, ना कुछ मिला है, ना फलाना ना ढिकाना कुछ नहीं मिला है, जो जैसा है दोस्तों उसी तरह का है, किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आया है। यहाँ पर देख लीजिए वीडियो क्वालिटी आपको वही मिलेगा, 1080p 30fps, सेम चीज़ है। यहाँ पर मैं बहुत ही रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद जाएंगे हम कैलेंडर में, तो कैलेंडर में भी बहुत कोई बोलेगा कि चेंज हुआ है, लेकिन दोस्तों किसी भी तरह का यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था दोस्तों सारा कुछ यहाँ पर पहले जैसे था उसी तरह का चेंज है। खाली यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों ये चीज़ है कि यहाँ पर न्यूज़ वगैरह को थोड़ा ऐड वगैरह को बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं गेम बूस्टर, तो मैंने बता दिया कुछ नहीं। अब एम्बियंट डिस्प्ले बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ का लेकर बहुत ही ज़्यादा मार हो रहा है। तो एम्बियंट डिस्प्ले आपको कहाँ पर मिलेगा? तो एम्बियंट डिस्प्ले आपको डिस्प्ले में जाइए, नीचे में देखिए एम्बियंट डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन का सेटिंग है। एम्बियंट डिस्प्ले यहाँ पर ऑन है। एम्बियंट डिस्प्ले में क्या होता है दोस्तों, ये एम्बियंट डिस्प्ले सिर्फ उस वही मोबाइल में काम करेगा जिसमें IPS LCD डिस्प्ले नहीं है दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले है, उसी में एम्बियंट डिस्प्ले करेगा, जिसमें नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। Redmi Note 5 Pro में नोटिफिकेशन लाइट है और IPS LCD डिस्प्ले है दोस्तों, तो इसमें एम्बियंट डिस्प्ले का ऑप्शन तो दिया गया है, लेकिन ये यूज नहीं होगा, क्योंकि उसमें दोस्तों सिर्फ इतना ही होता है कि पिक्सल वगैरह, पिक्सल बिनिंग करके कुछ होता है दोस्तों, जिसके वजह से अलग अलग पिक्सल जलता है और बुझता है, और टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है दोस्तों। IPS LCD डिस्प्ले में दोस्तों उस तरह का पिक्सल का खेला नहीं है, यहाँ पर लिक्विड वाला बात होता है, उस तरह का LED नहीं लगे रहते हैं, तो सारा कुछ इस तरह का है दोस्तों इसमें। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, इससे ज़्यादा मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं, अगर मिलेगा दोस्तों तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको मज़ा आ गया है, अगर मज़ा नहीं आया थोड़ा हम चाट दिया तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कर दीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और यूज़ करिए MIUI 11, बहुत ही अच्छा अपडेट है दोस्तों, आप करिए, आपको मज़ा आएगा, बहुत सारे फीचर्स है। चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और आप नए मेहमान है तो देखिए पीछे में गोल्डन फिश चल रहा है, उसका तरह का दोस्तों रेड कलर का एक नीचे बटन है, उसे दबाइए, वाइट कर दीजिए, देखिए वाइट शार्क भी है, वाइट कर दीजिए और दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए और प्यार सपोर्ट अपना बना लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए रजा खान को इजाज़त दीजिए, बाय।